हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमें देख रहे हैं हाउ विल बी योर नेक्स्ट 7 डेज, आने वाले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, इसी को लेकर ये रीडिंग है। और यहाँ आपके पास दो चॉइसेस हैं। फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए है द टेंपल पाथ एंड सेकंड वन इज़ द वर्ल्ड कार्ड। आप इनमें से एक चूज़ कर लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ कार्ड शफल करूँगी। आप चाहें तो कार्ड की शफलिंग को अवॉइड कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स पर जाकर रीडिंग को देख सकते हैं। फर्स्ट जिन्होंने द टेंपल पाथ के कार्ड को चुना है उनके लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और देखते हैं आने वाले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है। के साथ फर्स्ट ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए जिन्होंने टेंपल पाथ का कार्ड चूज़ किया था उनके लिए रीडिंग होगी। फर्स्ट अगर हम यहाँ ऑरेकल डेक से देखें तो आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग अभी सेपरेशन से गुजर रहे हैं। जुडिकेशन का कार्ड आया है तो सेपरेटेड हुए हैं अभी आप रिसेंटली, या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ब्रेकअप से गुजर रहे हैं और इसी चीज़ को लेकर काफ़ी आप सोच विचार में हैं कि आपकी बातें, आपका पक्ष जो आप रख रहे हैं उसे कितना हद तक सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा, और शायद इस चीज़ को लेकर थोड़ा स्ट्रेस आउट है आप पर। यहाँ 30 नंबर है तो आपकी बातों को सुना जाएगा और डिसीज़न जो है वो यूनिवर्स के हाथ में है। गॉड पे फेथ रखें आप, क्योंकि आपके लिए आगे का कार्ड आया है सडन वेल्थ। 11 नंबर आया है तो आप में से कुछ लोग हो सकते हैं डिवाइन कनेक्शन में, यानी आप लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम्स, हायर लेवल सॉलमेट्स हो सकते हैं। 777 नंबर आया है यहाँ आप देख रहे हैं तो आप लोग डिवाइनली गाइडेड हैं, ब्लेस्ड हैं। और अगर मनी मैटर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप देख रहे थे, पैसे की समस्या थी, तो बहुत जल्द वो दूर होगी और अचानक से बहुत सारी वेल्थ आएगी आपके पास, ऐसा भी आपके लिए होगा। और कुछ लोग सॉलमेट कनेक्शन में जा सकते हैं या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी आप लोग जा सकते हैं। 11 नंबर ये बता रहे हैं कि आपके जो स्ट्रगल हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और इस आने वाले 7 दिनों में आप अपने लिए कुछ पॉजिटिव मैसेजेस देखेंगे इसी से रिलेटेड। और यहाँ अगर आप देखें तो कंसर्न का कार्ड आया है तो अगर आप सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, काफ़ी सोच विचार में यहाँ दिख रहे हैं और कंसर्न में हैं कुछ चीज़ें आपकी। 33 नंबर आया है, काफ़ी सोच विचार कर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और जिन चीज़ों में क्लियरिटी चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ आप डोर देख रहे हैं उससे काफ़ी कह सकते हैं डिवाइन लाइट आप देख रहे हैं। आप बहुत जल्द अपने लिए सही डिसीज़न कर पाएंगे और अगर किसी चीज़ की द्विधा में हैं आप तो वो भी आप डिसाइड अपने लिए सही तरीके से कर पाएंगे। 33 नंबर मास्टर नंबर आया है तो अबंडेंस आएगी आपके लिए और जो भी आपका डिसीज़न होगा वो बिल्कुल ठीक रहेगा आपके लिए। तो अगर आप कोई परेशानी में हैं तो उससे बहुत जल्द निकलेंगे। और यहाँ चाइल्ड का कार्ड आया है तो मैरिड कपल्स के लिए बेबी बर्थ का गुड न्यूज़ आ सकता है या आपकी फैमिली में किसी चाइल्ड बर्थ का गुड न्यूज़ आ सकता है। और यहाँ मैसेज आया है और यहाँ अगर हम टैरो डेक से कार्ड्स देखें तो 10 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में हैं आप। कुछ लोग अभी काफ़ी ख़राब हेल्थ देख रहे हैं अपने लिए, काफ़ी कह सकते हैं शारीरिक रूप से आप काफ़ी परेशान हैं या आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और काफ़ी आप पेन में हैं और ये पेन फिज़िकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। कुछ लोग डेफिनेटली सेपरेशन में गए हैं अभी अभी और कुछ लोगों का अभी ब्रेकअप हुआ है, जैसा हमारे पास जुडिकेशन का कार्ड था। और यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड ये बता रहे हैं कि आप काफ़ी परेशान चल रहे हैं, काफ़ी परेशानी और चिंता भरा, दुख भरा समय देख रहे हैं अपने लिए और काफ़ी स्ट्रगल्स हैं आपकी लाइफ में। और ये तो कुछ लोग अपनी हेल्थ इश्यूज़ को भी देख रहे हैं अपने लिए और कुछ लोग अभी मानसिक रूप से काफ़ी दुखी और परेशान चल रहे हैं आपके लिए, ऐसा लग रहा है जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है स्पेशली उनके लिए। और कुछ लोग अभी डिसीजंस लेना चाह रहे हैं आप में से। 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, आप कहीं मूव करके जाना चाह रहे हैं, कैरियर से रिलेटेड ही मूविंग हो सकती है आपकी आने वाले 7 दिनों में। और आप सोच रहे हैं कि आप सही डिसाइड कर पाएंगे या नहीं, तो आप बिल्कुल सही डिसाइड कर पाएंगे क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ हमारे पास आया है कंसर्न का कार्ड, तो आप बिल्कुल सही डिसीज़न ले पाएंगे। बस आप अपनी विजडम पे भरोसा रखें, अपनी समझदारी पर ट्रस्ट करें आप और
वहीं आप इस सिचुएशन से बहुत जल्द बाहर निकलेंगे आने वाले 7 दिनों में। स्पेशली वीकेंड तक आप काफ़ी लाइट हार्टेड एनर्जी में रहेंगे, एडवेंचर्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को एंजॉय करेंगे। अपने लिए काफ़ी खुशियां आप देखने वाले हैं, न्यू बिगनिंग होगी आपकी, रिश्तों में हो या लाइफ में भी आप काफ़ी कह सकते हैं फन लविंग एक्टिविटीज़ में पार्ट लेंगे और डिवाइनली गाइडेड रहेंगे। द फूल एनर्जी आई है और काफ़ी कह सकते हैं आप अपनी लाइफ को काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। और ये जो पेन और ये जो आपकी सिचुएशन है अभी ओवर थिंकिंग वाली या किसी चीज़ को डिसाइड करने में जो प्रॉब्लम है आपकी, उससे आप बाहर निकलेंगे और काफ़ी आपको कह सकते हैं खुशी का अनुभव होगा। स्पेशली वीकेंड तक आप बहुत कह सकते हैं आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ट्रांसफ़र हो जाएगी। और यहाँ 10 of Cups आया है तो हैप्पी फैमिली कार्ड माना जाता है इसे, काफ़ी हैप्पी मोमेंट्स आएंगे आपके परिवार में, कोई खुश खबरी आ सकती है और कोई सेलिब्रेशन का मौका आ सकता है और काफ़ी अच्छा टाइमिंग आप अपने लिए देखेंगे, परिवार के साथ काफ़ी खुशियां बांटेंगे। और 10 की एनर्जी कंप्लीशन की है तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में एक कह सकते हैं कंप्लीट आपको फील होगा और काफ़ी अच्छे मोमेंट्स आप अपनी लाइफ में देखेंगे। और जो एनर्जीज़ अभी तक आपके साथ रही है डिस्टर्ब करने वाली, उससे काफ़ी ट्रांसफ़र होते हुए दिख रहे हैं। चैरियट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से है तो कुछ लोग अभी ट्रैवल करके कहीं जा सकते हैं और पर्पस ओरिएंटेड ये जर्नी हो सकती है, आपकी यात्रा हो सकती है और जिस भी उद्देश्य को लेकर यात्रा करेंगे वो उद्देश्य आपका सफल होगा। और यहाँ ओरेकल डेक से भी हमें ग्रेट फॉर्चून का कार्ड आया है बॉटम डेक से, तो ये डेक की एनर्जी मानी जाती है तो लक आपको काफ़ी फेवर करेगा। अगर कानूनी कुछ मुकदमे या ऐसी लीगल इश्यूज आप देख रहे हैं तो लक आपको उसमें काफ़ी फेवर करने वाला है। और वहीं आपके लिए जो आपने कार्ड चुना था द टेम्पल पाथ का, तो आप काफ़ी अलाइनमेंट में हैं और कह सकते हैं आपकी धर्म और अध्यात्म में काफ़ी रुचि बढ़ेगी आने वाले 7 दिनों में और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग रहेगा आपके लिए। और इसी वजह से आप काफ़ी मानसिक रूप से सुकून अनुभव करेंगे अपने लिए और आपका टेंपल पाथ या आपकी अध्यात्म और धर्म से जुड़ाव आपको सही तरफ लेकर जाएगा, ऐसा भी यहाँ आपके लिए होने वाला है आने वाले 7 दिनों में। और यहाँ फेरी टैरो डेक से कार्ड आया है प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का, तो ये आपसे कनेक्ट हो सकते हैं आने वाले 7 दिनों में। गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए होगा ये, और ये चार्मिंग सेल्फ कॉन्फिडेंट और पैशनेट और रेस्टलेस पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो काफ़ी खूबसूरत हैं, आत्मविश्वास से भरे हैं और बहुत पैशनेट हैं। और जो मैसेज है इमीडिएट एक्शन ए चैलेंज यू कैन सक्सेसफुली मैनेज ए पैशनेट रिलेशनशिप जी, इनके साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है या जो सिंगल्स हैं उनके लिए ऐसे मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं और इस थ्रू भी आपसे ये पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं आने वाले 7 दिनों में। और 8 of Winter का कार्ड है और जो मैसेज है यू हैव व्हाट इट टेक्स इफ ओनली यू बिलीव इन योरसेल्फ, थिंकिंग दैट यू आर पावरलेस व्हेन यू आर नॉट, अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट कीप्स यू फ्रॉम गेटिंग व्हाट यू वांट जी। अगर आप किसी चीज़ का डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, मेजर डिसीज़न, चाहे आपका करियर हो, लव लाइफ हो, और आपको लग रहा है कि शायद आपसे ये सही हो पाएगा डिसीज़न या नहीं हो पाएगा, तो यहाँ फेरीज आपको मैसेज कर रहे हैं कि मैसेज दे रहे हैं कि आप पावरलेस नहीं हैं और आप उतने ही पावरफुल हैं जितना एक पर्सन को होना चाहिए और अपने लिए निर्णय लेने में आप बिल्कुल सक्षम पर्सन हैं। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट देख सकें। अगर किसी डिसीज़न को लेना है तो आप अपनी विजडम पे और अपनी नॉलेज पे और आपकी जो इनर वॉइस है उसको आप सुने, आप बिल्कुल सही डिसाइड कर पाएंगे अपने लिए, ऐसा आपके लिए मैसेज आया है। तो आप लोगों के लिए यही मैसेजेस थे और यही रीडिंग थी जिन्होंने टेंपल पाथ का कार्ड चूज़ किया था। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जिन्होंने द वर्ल्ड कार्ड चूज़ किया है उनके लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ।
ये कार्ड्स आए हैं जिन्होंने द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया है उनके लिए ये रीडिंग होगी। फर्स्ट अगर हम यहाँ ओरेकल डेक से कार्ड्स देखें तो आपके लिए एम्ब्रोसमेंट का कार्ड है। तो आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो काफ़ी स्ट्रक हैं सिचुएशंस में, चाहे आपकी लव लाइफ हो या इन जनरल भी आपको कुछ सिचुएशंस हैं जो काम करने से रुक रही है, चाहे वो आपकी हेल्थ हो सकती है या कुछ लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लमफुल टाइमिंग आप लोगों के लिए रहा है। पर आपके लिए 29 नंबर है तो 11 नंबर होता है, इसे आप जोड़ते हैं तो आप लोग टिन कनेक्शन में हो सकते हैं रे, आपके लिए सब कुछ बहुत बेहतर होगा। और यहाँ आपके लिए फॉल्स पर्सन का कार्ड है, तो कुछ लोगों ने चीटिंग डिसऑनेस्टी देखी है अपने रिलेशनशिप्स में, कुछ लोग हैं जो आपको चीट कर रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हैं तो इन जर्नल में भी कुछ लोग हैं जो दोहरे हैं और यहाँ इन्होंने मास्क पहना है, तो कुछ लोगों की सच्चाई आपको पता नहीं है और इसी वजह से वो आपकी इनोसेंसी का फ़ायदा उठाते आए हैं। कुछ लोगों की चीटिंग डिसऑनेस्टी आपने देखी है अभी रिसेंटली, और यहाँ पर नंबर 8 आया है। तो आने वाले 7 दिनों में आप अपने लिए जस्टिस देख पाएंगे, जिन्होंने भी जो कुछ कर्मा किए हैं उसका वो फल उन्हें मिलेगा और आपकी तरफ है लक, और ट्रस्ट करें आप यूनिवर्स को। और यहाँ पाथवे का कार्ड है, तो आपने अभी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, चाहे कैरियर हो या लव लाइफ हो, काफ़ी रफनेस देखी है और बटरफ्लाइज बहुत है, तो काफ़ी आपने कह सकते हैं चुनौतियाँ देखी है जीवन में, बहुत सारे संघर्ष आप अभी फेस कर रहे हैं, पर आपके लिए यहाँ डिवाइन लाइट आप देख रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी फेज है। अगेन यहाँ आप देख रहे हैं 35 नंबर आया है, 3+5 8 होता है, तो हमारे पास मास्टर नंबर आ चुके हैं 8 8। तो डिवाइन कह सकते हैं टाइमिंग को आप ट्रस्ट करें, अगर लव लाइफ से रिलेटेड मैटर है या आपका वैसे भी कोई पर्सनल इशू है तो जस्टिस होगा आपके साथ। और 8 8 हमारे पास आ चुके हैं, तो आप एक टाइमिंग के बाद अपने लिए बहुत सारे रिलीफ देखेंगे और अपने जो अच्छे कर्म है उसी को आप इसी तरह से जारी रखें, क्योंकि यहाँ डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है और गॉड आपके साथ है और वो आपको जस्टिस देंगे। और यहाँ आपके लिए एक्सेप्टेशन का कार्ड है, तो आपके लिए ये हो सकता है कि जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी पर्सन से, चाहे वो आपका किसी पर्सन से फ़ोन कॉल मैसेज या जो भी कुछ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए पूरा हो सकता है, क्योंकि 28 नंबर आया है, 2+8 10 होता है, तो आप कुछ किसी चीज़ को का कम्प्लीशन देखेंगे अपने लिए आने वाले 7 दिनों में, कोई चीज़ आपके फेवर में होगी और वो कम्प्लीट होगी ऐसा आपके लिए लग रहा है। और यहाँ अगर हम देखें तो आपके लिए टैरो डेक से जो एनर्जीज आई है, 7 ऑफ सॉर्ड्स हमारे पास आया है बॉटम डेक के एनर्जी, यानी कुछ लोगों ने डेफिनेटली आपको अभी चीट किया है, धोखा दिया है या कुछ कह सकते हैं बेईमानी की है आपके साथ, और ट्रस्टवर्थी लोग आपको नहीं मिले, इसी वजह से काफ़ी संघर्ष आपने अपने लिए देखा है अभी तक, ऐसी एनर्जीज यहाँ पिक हो रही है। पर आने वाले 7 दिनों में आपके लिए कार्ड आया है एज ऑफ सॉर्ट्स का, तो जिनसे कम्युनिकेशन रुका हुआ है या बातचीत नहीं हो रही, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, रिलेटिव हो या लव वन हो, उनसे बातचीत शुरू हो सकती है आपके लिए। और आपके लिए मून कार्ड आया है, तो कुछ लोग अभी मदर रिलेटेड इश्यूज देख रहे हैं अपने लिए, यानी मदर इन लॉ भी हो सकती है या आपकी अपनी मदर से रिलेटेड कुछ इश्यूज आप अभी देख रहे हैं, काफ़ी भ्रम दुश्चिंताएं भी आप देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है, काफ़ी ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन में आप अभी हैं और कुछ क्लियरिटी चाहते हैं पर नहीं मिल पा रही है आपको, ऐसा भी यहाँ लग रहा है। पर आपके लिए आगे के कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, 9 ऑफ कप्स, कोई आपका सपना है जो सच हो सकता है, स्पेशली रिलेशनशिप से रिलेटेड, क्योंकि 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि एक स्टेप अगर आप लेते हैं, जैसा 9 है तो 10 की एनर्जी कंप्लीट मान ली जाती है, तो आप अगर एक स्टेप लेंगे तो आपकी कोई बहुत बड़ी विश या कोई आपका ड्रीम जो है वो पूरा हो सकता है, और ये ड्रीम जो है वो आपके कह सकते हैं हो सकता है सब लोगों के लिए ये अलग अलग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक न्यू जॉब मिल सकता है, कुछ लोगों के अच्छा मैरिज प्रपोजल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक अच्छी जॉब हो सकती है, तो कोई ड्रीम जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा हो सकता है, और ऐसा आने वाले 7 दिनों में आपके लिए लग रहा है। और यहाँ आया है कार्ड क्वीन ऑफ वांड्स का, तो आपकी लीडरशिप स्किल्स काफ़ी बढ़ने वाली हैं आने वाले 7 दिनों में, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे आप और काफ़ी आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और फ्यूचर प्लान करने वाले हैं और बहुत सही डिसीजंस आप अपने लिए ले पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको कोई अच्छा जॉब ऑफर यहाँ आ सकता है और आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी लग्जरी रहेगी, अच्छा खान पान भी बहुत इंजॉय करेंगे आप आने वाले 7 दिनों में, और काफ़ी पैशन रहेगा आपको अपने काम के प्रति या अपनी जनरल लाइफ में भी, आप काफ़ी पैशन के साथ आगे बढ़ने वाले हैं और एनर्जेटिक रहेंगे, काफ़ी ऊर्जा से भरे रहेंगे, ऐसा भी आपके लिए लग रहा है। और कुछ लेक से हमारे पास बॉटम की एनर्जी आई है मेन मेल, तो ये पर्सन आपके लिए आ सकते हैं और ये मैरिज प्रपोजल के थ्रू भी आ सकते हैं और इन जनरल भी आपसे कनेक्ट हो सकते हैं एज ए फ्रेंड।
ये भी आपके लिए लग रहा है और काफ़ी कह सकते हैं खूबसूरत इंसान होंगे ये, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए होगा। और यहाँ अगर हम देखें जो कार्ड आपने चुना था द वर्ल्ड, तो आपके लिए दुनिया के सारे रास्ते खुलने वाले हैं। कुछ ब्लॉकेज अगर आपकी लाइफ में थे, कम्युनिकेशन रुका हुआ था या कुछ आप स्ट्रगल्स देख रहे थे, तो वो भी आपके लिए पूरा होता दिख रहा है। और यहाँ आप 29 नंबर देख रहे हैं, 11 नंबर आया है, तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जा सकते हैं। आपको आपके सॉलमेट से कनेक्ट होने का मौका भी मिल सकता है आने वाले 7 दिनों में। और वहीं आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपने अभी एक सर्कल पूरा किया है और एक नए सर्कल में आप जाएंगे लाइफ के, या नए जीवन चक्र में आप प्रवेश करेंगे, ऐसा भी आपके लिए होगा। और यहाँ फेरी टैरो डेक से जो कार्ड आया है 7 ऑफ स्प्रिंग का, बी असर्टिव, डोंट बैक डाउन फ्रॉम व्हाट यू बिलीव, करेजियसली स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। जी, आपके लिए कहा जा रहा है कि जिस भी चीज़ पे आपका बिलीव है, जो भी आप सोचते हैं कि सही है, तो उसके लिए आप स्टैंड लें, खड़े रहें और अपने आप पे भरोसा रखें। और आपके लिए जो आप डिसाइड करेंगे वो आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। और सबके लिए ये अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कैरियर में, अगर आप किसी नए कैरियर को चुन रहे हैं, या रिलेशनशिप में आप एक स्ट्रांग स्टेप लेना चाहते हैं, तो उससे आप पीछे ना हटें और डरे ना और करेज दिखाएं अपना। आपके लिए लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आती हुई आपको दिखेगी आने वाले 7 दिनों में, ऐसा मैसेज है। और 5 ऑफ समर का कार्ड है और जो मैसेज है, ट्रस्ट दैट देर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स, रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव इमोशंस ऑफ अदर्स, फोकसिंग ऑन दैट विच फ्राइटन और वरीज यू। जी, अभी आप काफ़ी चिंताओं से घिरे हैं, काफ़ी डर, दुख और कह सकते हैं दुश्चिंताएं आपको अभी घेरी हुई है, जैसा मून कार्ड भी था और 5 ऑफ समर भी हमारे पास है, तो इसी वजह से आपकी एनर्जीज अभी काफ़ी इम्बैलेंस हो रही है। तो यहाँ फेरीज आपको कह रहे हैं कि आप लाइफ के पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करें, और जो कुछ भी हो रहा है वो एक किसी रीज़न से हो रहा है, तो आप भगवान पर भरोसा रखें, गॉड पर फेथ रखें, आपको सब कुछ एक टाइमिंग के बाद क्लियर हो जाएगा। जो भी कुछ आपके साथ हुआ था या हो रहा है, वो एक प्रोसीजर है, एक जो कुछ भी आपके साथ हुआ है वो आपके अच्छे के लिए ही है, और ये बात आप कुछ टाइम में जान पाएंगे। आने वाले 7 दिनों के लिए आपके लिए यही मैसेजेस थे और यही रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशंस फ्रॉम दिस चैनल। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।